एक बुजुर्ग को जो सांप ने काट लिया है। ये देखिए काफी गुस्से लिए कोबरा। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं रांझनी मातनी गांव, ये अहमदनगर जिला के अंतर्गत गांव है। तो यहाँ से हमें बाबू साहेब जगताप, इन्होंने कॉल किया था तो उनके घर के पास एक सांप दिखाई दिया है। दो दिन पहले उनके फैमिली मेम्बर को, एक बुजुर्ग को यही सांप काटा था, उनका ये कहना है, और वही सांप उनको आज दिखाई दिया है। तो उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं उनके घर के पास। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, देखते कौन सांप है, उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर हमने जीसीबी लगवाया है क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग को जो सांप ने काट लिया है वो सांप यहाँ पर छुपा हुआ है, और जो जगता फैमिली वो चाहती है कि वो सांप यहाँ से निकल जाए, इसके लिए उन्होंने जीसीबी मंगवाया है। और यहाँ पर जीसीबी से खुदाई करके सांप को बाहर निकालेंगे, रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर किसी को सांप काट लिया तो डर तो बना रहता ही है। तो यहाँ पर पूरी फैमिली उनकी डरी हुई है, उनके एक फैमिली मेंबर को सांप ने काट लिया है। तो ये देखिए, मागे सरक सरक मागे पड़न ते। हाँ बस, बस थम। दोस्तों आप देख सकते हैं सांप, कोबरा स्नेक। आखिरकार हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, पकड़ लिया है। वैसे तो इस जगह पर ये सुरक्षित था, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि एक फैमिली मेंबर को इसने काट लिया है, एक बुज़ुर्ग को, और उनकी जान चली गई है, इसलिए यहाँ पर जो फैमिली वाले सब डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये सांप यहाँ से निकल जाए। अगर हम नहीं आते तो ये जीसीबी से मरवा देते इसको, इसलिए यहाँ पर हमें इसको रेस्क्यू करने आना पड़ा। ये देखिए काफी गुस्से लिए कोबरा और ये आक्रमक स्थिति। चलिए आपने देखा कि इसने किस तरह अटैक किया, इसी तरह यहाँ पर एक बुजुर्ग को इसने अटैक किया था। काफी बड़ा ये कोबरा स्नेक है। तो देखा आपने दोस्तों यहाँ पर कितने लोग डरे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोबरा स्नेक है, जहरीला सांप होता है। हाँ कोबरा, कोबरा नाग मनतो अपन मराठी में। तो इस सांप को हिंदी में नाग, मराठी में नाग, बंगाली में खरीस, बंगाली में कोरना में गोखरो, इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन कोबरा और इंडियन कोबरा इस नाम से जानते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है।
ये जहर इतना खतरनाक है कि इसके एक बूंद जहर से लगभग 20 से 25 लोग मारे जा सकते हैं। फिर भी दोस्तों सांपों को हमने बचाना है। सांप और अन्य सभी जीव जंतु जो है पर्यावरण का हिस्सा होता है, इसलिए हमने इसको मारना नहीं है। सांप कब कब काटेगा, जब इसके ऊपर हम पैर दे देंगे, भूल चूक से इसके ऊपर पैर दिया जाएगा, गलत तरीके से सांप पकड़ेंगे या फिर सांप के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तभी सांप काटेगा। तो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग थे उनको इसी कारण ये सांप काटा था। ये बहुत ज़्यादा ये सांप जो है कि शिकार की तलाश में बाहर निकला था मेंढक खाने के लिए, और जो बुज़ुर्ग थे उनके बहुत ज़्यादा ये सांप नज़दीक आया और उनका पैर हिलते ही उनको इस कोबरा ने बाइट किया। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में, सांप को हम एक सुरक्षित जगह पर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। लगाओ बैग। तो दोस्तों आपने देखा आज एक कोबरा सांप हमने रेस्क्यू किया था। इस सांप को मैं यहाँ पर फॉरेस्ट में रिलीज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कोबरा स्नेक काफ़ी आक्रामक है और यह सांप मैं यहाँ पर फॉरेस्ट में रिलीज कर रहा हूँ। ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। तो दोस्तों आपने देखा इस सांप को मैंने यहाँ पर रिलीज़ किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएँ।